ईरान के रेजा शाह मम्मीफाइड अवशेष संभावित पूर्व नेता के हैं। ईरान के आखिरी शाह के पिता सबसे अधिक संभवतः ईरानी राजधानी के पास एक मां की खोज की गई। उसके परिवार ने कहा है। सोमवार को तमिलन के दक्षिण में शाहरेरे में एक मंदिर में निर्माण के दौरान मम्मीफाइड अवशेष पाए गए। छवियों और समाचार रिपोर्टों ने ऑनलाइन अनुमान लगाया कि शरीर रेजा शाह पहलवी से संबंधित है। 1979 की क्रांति के बाद शाहरेरे में भी उनकी मकबरा नष्ट हो गई थी, लेकिन उनके अवशेष कभी नहीं पाए गए थे। अमेरिका में स्थित एक विपक्षी व्यक्ति, उनके पोते रेजा पहलवी ने कहा कि शरीर शायद सबसे अधिक रेजा शाह का था। ट्विटर पर एक बयान में उन्होंने ईरानी अधिकारियों से आग्रह किया कि परिवार द्वारा शरीर तक पहुंचने के लिए चिकित्सकीय पेशेवरों को भरोसा करने और ईरान के अंदर उचित दफन देने की अनुमति दी जाए। यदि आधुनिक ईरान के पिता या राजा के रूप में नहीं, लेकिन यदि केवल एक साधारण सैनिक और उसके देश और उसके लोगों के नौकर के रूप में। रेजा शाह के पास सभी ईरानियों के लिए जाने वाली जगह में एक चिह्नित कब्र होना चाहिए। श्री पहलवी ने भी इनकारों से इनकार कर दिया कि पहलवी परिवार ने रेजा शाह के अवशेषों को स्थानांतरित कर दिया था। तेहरान की सांस्कृतिक विरासत समिति के अध्यक्ष ने सोमवार को अर्धाधिकारिक आईएसए ने समाचार एजेंसी को बताया कि यह संभव था कि शरीर पूर्व नेता से संबंधित था, लेकिन ईरान में कुछ मीडिया आउटलेट ने इस पर विवाद किया था। यह स्पष्ट है जहां शरीर अब है। एक सैन्य नेता जिसने 1921 में एक विद्रोह शुरू किया, रेजा शाह पहलवी राजवंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1925 से 50 वर्षों तक ईरान पर शासन किया था। यद्यपि उन्हें ईरान में अपने आधुनिक प्रभाव के लिए कई लोगों द्वारा श्रेय दिया गया था, फिर भी राजा पर उनके हमलों और कथित मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए रेजा शाह की भी आलोचना की गई थी। 1944 में दक्षिण अफ्रीका में निर्वासन में उनकी मृत्यु हो गई। 3 साल बाद ब्रिटिश और रूसी सेनाओं द्वारा उनके बेटे के पक्ष में त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें शुरुआत में मिस्र में श्वास और दफनाया गया था, लेकिन उनके शरीर को कई सालों बाद ईरान में ले जाया गया था। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद रेजा शाह को दफनाया गया मकबरा नष्ट कर दिया गया था, जिसने अपने बेटे और उत्तराधिकारी मोहम्मद रेजा शाह को खत्म कर दिया था।